यमुनानगर में आयोजित डीएससी समाज की प्रेसवार्ता में अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तेजी ने आरक्षण समाप्त किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वांछित अनुसूचित जनजाति समाज के आरक्षण को समाप्त करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाज एक भी वोट नहीं देगा। कांग्रेस ने तो हमारे हकों पर हमारे हित के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। भीम आर्मी को हमारे वंचित वोट की चोट जो है वो कांग्रेस को करके दिखाएंगे और पूरी की पूरी वोट जो हमारी है वो भाजपा को जाएगी। कांग्रेस की उस टाइम सरकार थी 2005 में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर इस तरह से प्रेशर डाला गया कि इस समाज का जो दुर्भाग्य शुरू होना था वो 2005 में शुरू हुआ। एक झज्जर से गजय सिंह मोवाल जी थे, चमार महासभा के वो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि नहीं इनको जो वर्गीकरण दिया गया है इसको खत्म किया जाए, और वो हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हमारा 2005 में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने आरक्षण को खत्म कर दिया। उसका हमें नुकसान ये रहा कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो रोजगार से वंचित रहे। तो ऐसे में हम सड़कों पे 18 साल तक लगातार संघर्ष करते रहे। दो ऐसे में मैं बात करूं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बहकावे में आ गए हैं और वो 22 तारीख को 22 सितंबर को जींद में एक बड़े स्तर का आयोजन करने जा रहे हैं डीएससी की मांग को लेकर के। मैं उन साथियों से भी एक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आप विपक्षी लोगों के बहकावे में ना आए क्योंकि वो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बार जनसभाओं के दौरान और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कह दिया कि हरियाणा सरकार ने ये फैसला मान लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वो सम्मान करते हुए उनके निर्णय को हरियाणा में लागू करेंगे और उन्होंने कैबिनेट में उसको मंजूर भी कर लिया है, तो ऐसे में आपको उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ शरारती तरह के लोग भी हैं और विपक्षी लोगों ने उनको शायद किसी तरह से गलत तरीके से मोटिवेट करके वो सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। से जो कांग्रेस के साथी हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप लात मारिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को जिसने हमारा भविष्य खत्म करने का काम किया है, और डीएससी समाज हमेशा भाजपा के साथ है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं और मैं स्वयं से भी ये वादा कर रहा हूं कि हम डीएससी समाज के लोग हमेशा भाजपा के साथ रहेंगे। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये कहकर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद भी आप भाजपा का साथ दें, क्योंकि हमारे बच्चों का जो भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है वो भाजपा ने किया है।